आजकल हमने ये देखा है कि जो आजकल सीरियल्स हैं या वेब सीरीज़ हैं और मूवीज़ हैं और भी जो हम लोगों को मीडिया से मिल रहा है, तो वो लोग हमको ऐसी चीज़ें परोस रहे हैं जो कि जिसमें वायलेंस बहुत है, सेक्स को लेके बहुत है, बदले की भावना है, क्राइम रिलेटेड है। तो मतलब ये सारी चीज़ें ऐसी दे रहे हैं, या गैंग्स हैं और मतलब बड़ी तरह तरह की चीज़ें, पॉलिटिकल जो चीज़ें हैं अंदर बाहर की, कुछ छिपा हुआ, कुछ गंदा, कुछ अच्छा, तो ये सारी इस तरह का मसाला मिल रहा है और सारे चैनल्स इससे भरे हुए हैं। तो हमको लगता है कि ये ठीक है, ऐसा होगा, कहीं ना कहीं होता भी है, ये हम नहीं कह रहे कि नहीं है, लेकिन वो एक वर्ग में होता है। पूरे मतलब जो इंडियन कल्चर है उसमें तो इतनी वैरायटी है, इतनी खूबसूरती है, लेकिन उन टॉपिक्स को नहीं टच किया जाता है। हर समय केवल यही टॉपिक, आजकल जो भी चीज़ हम लोग को देखने को मिल रही है वो इन्हीं टॉपिक के इर्द गिर्द है। मुझे क्या लगता है ना कि जो पूरी दुनिया इतने दिनों चलती रही है वो एक नैरेटिव सेट करने का सारा आयोजन है कि आप एक नैरेटिव सेट करिए और उसके हिसाब से समाज को गवर्न करिए। इतिहास का नैरेटिव हो चाहे राजनीति का नैरेटिव हो, वो हमेशा कुछ लोग अपने निहित स्वार्थों के चलते हुए उसको सेट करते रहे। अभी क्या है, मीडिया की वजह से भी एक खास किस्म का नैरेटिव पैदा किया जाता है और ये बिल्कुल भी निसंदेह सच बात है कि भारतीय संस्कृति को विकृत करने का, भारतीय समाज को तोड़ने का ये सब आयोजन है। क्योंकि जो मुख्य धारा है, भारत की जो मुख्य धारा है वो बड़ी ही आध्यात्मिक मुख्य धारा है, लोगों में सद्भावना है, लोगों में सहयोग है, लोगों में बहुत तरह की अच्छी जो क्वालिटीज़ होनी चाहिए वो हैं। लेकिन आप वेब सीरीज़ देखिए, आप फिल्में देखिए जो आजकल चली आती हैं, तो उसमें लगता है धोखाधड़ी, बदला, प्रतिहिंसा, प्रतिशोध, सब यही चल रहा है, जबकि ऐसा तो नहीं। आप इवन आप उदाहरण के लिए आप देखिए, सड़क पर आप को कुछ हो जाए कितने लोग सहायता के लिए आते हैं, बहुत कम लोग हैं मुट्ठी भर जो बदमाशी करते हैं, जो नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन वो कम लोग हैं। तो हम कम लोगों को इतना महत्व क्यों दें? तो ये एक नैरेटिव है जिसको कुछ लोग अपने निहित स्वार्थों के चलते हुए सामने रखते हैं, ये बिल्कुल तय बात है, षड्यंत्र है, कॉन्स्पिरेसी है। हाँ, इसी में जैसे हमने अभी अक्सर देखने में आता है कि पहले ज़माने में कुछ एक क्लासिफिकेशन टाइप का था कि भाई कुछ लोग हैं, जनरली गाली गलौज जो है वो आदमी लोग आपस में, मतलब कभी कभी लड़के आपस में बात कर रहे हैं तो कर रहे हैं, या ड्रग्स है या और ड्रिंक्स है, मतलब जो भी चीज़ है जिसको कि बहुत अच्छी दृष्टि से या हमारी सभ्यता में उसको बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है या क्रिटिसाइज किया जाता है, वो हम लोगों ने एक वर्ग को असाइन किया हुआ था कि ये आदमी लोग करते हैं, ये तो इसमें और। लेकिन आज जो देखने में आ रहा है कि इसमें बच्चे भी शामिल हैं, यंगस्टर्स शामिल हैं, मतलब छोटे बच्चे भी शामिल हैं और यंगस्टर्स भी शामिल हैं और औरतें भी शामिल हैं। क्यों? और चाहे पढ़े लिखे और चाहे बिना पढ़े लिखे, हर तरह का समाज है, इसके पीछे षड्यंत्र है। अब मान लीजिए वेब सीरीज या मूवी बनाने में जो पैसा लगा रही है कंपनी, वो ड्रग्स में डील करती है, वो कंपनी किसी और चीज़ में डील करती है, तो वो तो चाहेगी कि उसकी चीज़ें आगे जाएं। तो आप देखिए, ड्रग्स का लेना इतना नॉर्मल दिखाया जाता है जैसे कैजुअल लाइफ स्टाइल, सुबह उठा आदमी और उसने खींच लिया नाक से पाउडर। शराब तो बिल्कुल ही नॉर्मल है, पानी की तरह लोग पीते हैं। रहा सवाल गालियों का, तो स्टैंड अप कॉमेडी हो, उसमें लड़कियां हैं, लड़के हैं, आप देखें ज़रूरत ही नहीं है वहां पर उन शब्दों की, गाली गलौज को, उनके बिना काम चल सकता है, लेकिन उनको जानबूझ कर डाला जाता है। और जानबूझ कर डालने से देखिए सब चीज़ें विकृत होती चली जाती हैं। लेकिन इसमें देखिए दो किस्म का वर्क पैदा होता है नैरेटिव में, कुछ लोग उसको सेट करते हैं जानबूझकर और कुछ लोग प्रभावित होकर वो करने लग जाते हैं क्योंकि उनको लगता है ट्रेंड चल रहा है, तो उस ट्रेंड को हम फॉलो करते हैं और जो उद्देश्य है वो जो एजेंसीज हैं उनका फुलफिल हो रहा है, वो पूरा हो रहा है। आप
अगर इतिहास के पन्ने उठाकर देखिए, चाहे ये भारत की गुलाम स्थिति रही हो या जो इन्वेडर्स आए वो स्थितियाँ रही हों, उन सब ने कोई ना कोई नैरेटिव सेट करने की कोशिश करी। तो कोई भी समाज खड़ा होता है अपनी जो दृढ़ता है उस पर, अपने मूल्यों की दृढ़ता पर, और अगर उस समाज पर शासन करना है, उसका उपयोग करना है, तो हमको कुछ अलग व्यवस्था गढ़नी पड़ेगी। अब देखिए, ये सारे तथ्य तो जाहिर हो गए, अब सब लोग जानने लगे हैं। पहले लोगों को बड़ा अचंभा होता था, ब्यूटी पेजेंट्स होते हैं, आप किसी को चुनते हैं। जिस देश में कंपनी जो हैं इंटरेस्टेड, वो अपना बाजार पैदा करेंगी, उस देश में उनको वो चुन लेना है, फिर वहाँ पर उनके प्रोडक्ट्स आएंगे, उनका पब्लिसिटी का सारा जो इंतजाम है वो होगा। लेकिन क्या जो चुना गया ब्यूटी पेजेंट में जो पार्टिसिपेंट था, वो सचमुच में उतना ही हकदार था उस चीज़ का? ऐसा तो कुछ नहीं। इसी तरह से केवल ये नहीं, मिस वर्ल्ड मिस यूनिवर्स नहीं, तमाम लिटरेचर के पुरस्कार हैं, तमाम फोटोग्राफी के पुरस्कार हैं, उनको देने वाली एजेंसीज ही अलग हैं। हैरानी होगी कि पता चलता है कि पीस के लिए पुरस्कार देने वाली एजेंसीज हैं, वो हथियारों का कारोबार करते हैं, उनका पैसा ही लगता है हथियारों में, पीस का कारोबार करते हैं। अब पीस का नैरेटिव आप बनाए रखिए, लोग भ्रम में पड़े रहें, और पीछे से आप हथियार भी बेचते रहिए, बहुत सारा कॉन्स्पिरेसी का जगत है। इसी तरह से ये नशा है, अल्कोहल है, ड्रग्स है, वो भी मुझे लगता है इसीलिए। यहाँ तक कि देखिए, आप फिल्मों में नाम देखिए, फिल्मों में नाम डाले जाएंगे वो भी ऐसे डिस्टॉर्ट करने वाले, जिससे लोगों को लगता है अच्छा यहाँ तो ऐसा होता होगा, यहाँ तो इस तरह की चीज़ें होती होंगी। तो ये सब बहुत समझना है लोगों को इस चीज़ को। एक चीज़ और देखने में आ रही है कि जो हम लोगों को जो चीज़ मिल रही है वो इतनी विकृत है कि हमारी अपनी जो सभ्यता है, हमारी अपनी संस्कृति है, वो तो पीसेस में चली जा रही है। हमारे वैल्यूज़ हैं, हम जिस चीज़ के लिए जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं, भारत जिस चीज़ के लिए हमेशा से जाना गया है, उन चीज़ों को, और भी बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें हैं जिस पर काम किया जा सकता है, लेकिन उनको काम नहीं किया जा रहा है, केवल यही चीज़ें मिल रही हैं। और अगर कोई इसको अपोज करता है तो उसको ऐसे देखा जाता है, ये बड़ा पुराने ज़माने का व्यक्ति है, और हम लोग तो आज मॉडर्न हैं, तो आजकल ये सब चीज़ तो चलता है तो इतनी आसानी से उसको लोग ले लेते हैं कि उस पर ध्यान ही नहीं देते कि क्या है, चलना है क्या, कॉपी ब्लाइंडली कॉपी करते चले जा रहे हैं। जबकि हमने दूसरे कंट्रीज में देखा, जैसे अब रीडिंग हैबिट्स आर ऑल गॉन फ्रॉम इंडिया, यहाँ पढ़ने का बिल्कुल, बाहर के बच्चों को मैंने देखा है कि वो किताबें लेके पढ़ते हैं। तो हमारे यहाँ क्यों खत्म हो गया, हमारे यहाँ किताब पढ़ना क्यों खत्म हो गया? देखिए, खत्म किसी ने नहीं कहा, आप कर लीजिए, लेकिन हमारे यहाँ ये बीमारी लोगों को पता है कि यहाँ लोग बड़ी जल्दी प्रभावित होते हैं, देखा देखी बहुत सारे काम करते हैं, और ये है एक विजुअल पॉइजन। एक्चुअली देखा जाए विजुअल पॉइजन डाला जा रहा है, न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से डाला जा रहा है जैसा आप कह रहे हैं, और ये उसकी तरफ से जो वेब सीरीज और मूवीज हैं उनकी तरफ से भी डाला जा रहा है। अब होता क्या है, आप देखिए कि कोई भी विजुअल पैदा करने का एक तरीका है, आप विजुअल को कैसा भी पैदा कर सकते हैं। अगर अभी जब मान लीजिए पैंडेमिक स्थिति चल रही है कोरोना की, आप उसमें देखिए कि मीडिया ने कैसा एक नैरेटिव पैदा किया। आप अगर न्यूज़ ये दिखाइए कि कितने लोग रोज़ ठीक होकर घर वापस लौट रहे हैं, जो आंकड़ा भारत में बहुत बड़ा है, आप वो आंकड़ा तो स्किप करते हैं, बड़े हल्के में दिखता है इतने लोग ठीक हुए, लेकिन इतने लोग पॉजिटिव निकल रहे हैं वो आंकड़ा बढ़ा चढ़ा के आप दिखा रहे हैं, मौत का आंकड़ा बढ़ा चढ़ा के दिखा रहे हैं, कहीं एक आध जगह गलतफहमी या कोई लापरवाही हुई उसको आप बढ़ा चढ़ा के दिखा रहे हैं, तो लोगों का मनोबल भी टूटता है। बाजार चाहता है कि लोगों का मनोबल टूटे, मार्केट को गवर्न करने वाली एजेंसी चाहती है कि मनोबल टूटे। आप कल्पना करिए कि अगर ये आंकड़े दिखाए जाएं कि ठीक है लोग पॉजिटिव हो रहे हैं, लेकिन रोज़ इतने लोग ठीक होकर घर लौट रहे हैं, तो लोगों का हौसला बढ़ेगा। वो बताएं पूरा स्टडी करके कि कितने परसेंट लोगों की डेथ हो रही है जो कि पॉजिटिविटी होगी,
तो ये है एक नरेटिव सेट करना और भय पैदा करना लोगों में, जिससे फिर लोग अलग तरह से पैनिक में आएंगे। अब जैसे कि अभी सुनने में आया कि जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं वो वैक्सीन लाने में इंटरेस्टेड नहीं है, वो उसकी मेडिसिन लाना चाहती हैं, क्योंकि वैक्सीन से उनका कारोबार नहीं बनेगा। वैक्सीन लगेगी, लोग एक बार में ठीक हो जाएंगे, फिर वो बार बार बीमार नहीं पड़ेंगे, बार बार दवाइयाँ नहीं चाहिए होंगी। लेकिन आप कोई मेडिसिन लाते हैं तो लोग बीमार पड़ते रहेंगे, दवाइयाँ लेते रहेंगे, और वो जो बिजनेस है चलता रहेगा। तो वो जो कंपनीज हैं, क्या लोगों को ठीक करने में इंटरेस्टेड हैं या अपने व्यापार में इंटरेस्टेड हैं? तो सुनने में तो ये आता है कि व्यापार में इंटरेस्टेड हैं, वैक्सीन आने में अड़ंगे डालती हैं वो कंपनीज, ये सारा काम होता है। तो इन चीज़ों को हमको देखना पड़ेगा, और ये हर लेवल पर काम होता है, हर लेवल पर। आप अगर गाली गलौज की ही बात देखिए तो उसको इतना सामान्य बना दिया जाए कि अगर कहीं गाली गलौज जैसी कोई घटना हो रही हो तो लोग उस पर चौंके नहीं। हमारे घर में देखिए, मुझे याद है बचपन का, गाली और असभ्य भाषा का प्रयोग इतना वर्जित था कि अगर ऐसा शब्द ही कहीं आसपास आ जाए तो हम लोग चौंक जाते थे। आजकल वो चौंकने वाला मुद्दा ख़त्म हो गया, लड़कियां भी वही गालियां दे रही हैं, लड़के भी वही गालियां दे रहे हैं, मतलब ये हैरान करने वाली बात है। और सारी गालियां महिलाओं को ही कंडम करने वाली हैं। आप देखिए, सारी गालियां ही फीमेल ओरिएंटेड हैं, फीमेल आर्गन ओरिएंटेड हैं, और उन्हीं गालियों को धड़ल्ले से महिलाएं दे रही हैं। तो क्या उस महिला को एक बार ये चीज़ कहीं जहन में आती है कि ये तो हम अपना ही कंडमनेशन कर रहे हैं, अपनी आइडेंटिटी को ही कंडम कर रहे हैं? लेकिन उसको हमने नॉर्मल बना दिया, यूजुअल बना दिया, ठीक है कोई बात नहीं, ये चलता है। अब चलता है, जब सड़क पर कोई किसी को गाली देता हुआ दिखेगा तो उसको आश्चर्य नहीं होगा, वो चौंकेगा नहीं, उसको लगेगा चलता है। तो ये जो वातावरण है ये कुछ लोग साजिशन पैदा करना चाहते हैं, ये मेरा पक्का मानना है, और उससे लोगों को सावधान रहना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अब चूँकि ये अनसेंसर्ड मीडिया है तो अनसेंसर्ड मीडिया से आप लड़ाई यूँ तो लड़ नहीं सकते। ग्लोबल है, किस प्लेटफॉर्म से चीज़ आप तक आ रही है तो उस पर उतना देश भी चाहे तो प्रतिबंध नहीं लगा सकते। आजकल के डिजिटल एज में वो प्रतिबंध भी आसान नहीं है। तो एक छोटी लकीर को ठीक करने के लिए बड़ी लकीर खींचनी पड़ेगी, बहुत सारे ऐसे लोगों को सामने आना पड़ेगा जो उतनी ही सकारात्मकता की चीज़ें सामने रखें, वो अपनी बातें रखें, और एक बड़ी लकीर पैदा हो, एक नया नैरेटिव पैदा हो जो लोगों को हौसला देने वाला हो, सुकून देने वाला हो, और एक सकारात्मक वातावरण बनाने वाला हो। ये करना पड़ेगा। हाँ, इसको डेलिब्रेट उससे मतलब इंटेंशन लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि ये जो बात आप कर रहे हैं उसमें भी हमें एक, अभी आपसे सुनते सुनते ही एक दिमाग में ख्याल आया कि जो बात ये सब आ रही है वो थोड़े सीनियर लोगों के थ्रू आ रही है, कोई अच्छी चीज़ जैसे। तो होता क्या है, यंगस्टर सोचता है कि ये सीनियर एक अलग कोई कैटेगरी है और उससे हमारा कोई मतलब रिलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और हम तो जो ये मॉडर्न ट्रेंड चल रहा है इसी में। तो होता क्या है कि अगर ये चीज़, अगर यंगस्टर्स इसमें इंटरेस्ट लें और अच्छी चीज़ों को सामने लाएं तो आई थिंक दैट विल मेक अ बेटर चेंज देन अगर सीनियर्स कुछ कर रहे हैं, क्योंकि सीनियर्स को हमेशा वो थोड़ा एक अलग मान लिया जाता है, बड़े बुजुर्ग हैं वो, सब तो शिक्षा देते ही रहेंगे, वो तो समझाते ही रहेंगे। लेकिन ये वातावरण ही बदलना पड़े। मॉडर्नाइजेशन का मतलब ये नहीं कि आप गालियाँ दें, मॉडर्नाइजेशन का मतलब नहीं है कि आप चार सेंटेंस में माँ बहन की गालियाँ ले आएँ, आप अल्कोहल ऐसे कंज्यूम करें जैसे पानी हो। अल्कोहल नुकसान करता है, आपको मानना चाहिए इस बात को, इतनी रिसर्चेज हो चुकी हैं, स्टडीज हो चुकी, तो आप क्यों कहें कि अल्कोहल बड़ा नॉर्मल है, पानी से मत पीजिए, नुकसान करता है, नॉन एसेंशियल चीज़ है, रबिश है, ड्रग्स नुकसान करता है। आप मॉडर्न होने के लिए क्या ड्रग्स लेंगे? नहीं लीजिए। आप उन चीज़ों में अपने को दूर करिए उन चीज़ों से, ये तो युवाओं के लिए भी ज़रूरी है। लेकिन उनको लगता ही हमारा कल्चर है, हम बहुत मॉडर्न हैं, ये सब करके लड़के जाते हैं हॉस्टल्स में। मैं देखता हूँ, हॉस्टल लाइफ मैंने भी देखी है, आसपास के सब बच्चे सिगरेट पी रहे हैं, तो उसको भी सिगरेट पीना लगता है जैसे कुछ बड़ा आधुनिक काम कर लिया। अब क्या आधुनिक काम कर लिया, यूँ देखा जाए कितना स्टूपिड काम है, और हेल्थ के लिए तो डेंजरस ही है। तो एक युवा है, उसको भी रुकना चाहिए, उसको कहना चाहिए क्या इससे फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम नहीं इसमें पार्टिसिपेट करते, हम सकारात्मक चीज़ के साथ चलेंगे, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन से सकारात्मक चीज़ हो। तो
अच्छी बातों का जिम्मा हमको पुरानी पीढ़ी पर नहीं डालना है कि पुरानी पीढ़ी का काम है प्रवचन देना, उनका काम प्रवचन की बात नहीं है, जो अच्छा है सो अच्छा है, जो बुरा है सो बुरा है। लेकिन देखने में तो यही आता है ना कि लोग ये सोचते हैं कि अरे सीनियर हैं, कोई बड़ा कुछ कह रहा है हाँ हाँ कह देंगे, उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, ऐसी बात नहीं है, करेंगे अपनी मनमानी। नहीं करेंगे मनमानी, क्योंकि ये फिल्मों से, मीडिया से, कल्चर में, समाज में हर जगह चल रहा है। आप शराब पी के उठें, गिरें, गालियाँ दें, ये सब करें तो लगता है ये उम्र है शायद शराब पी के पड़े रहने की, ये उम्र है सब खुराफात करने की, जब ये करने लायक नहीं रहेंगे तो बैठ के भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे। आमतौर से यही समाज में वो लोगों को ओपिनियन आती है ना। लेकिन सवाल क्या ये उचित है, ये जो चल रहा है ये क्या तुम्हारे शरीर और मन के स्वास्थ्य के लिए भी उचित है? इससे क्या सचमुच में तुमको कुछ मिल रहा है? और अगर मिल रहा होता सचमुच में कुछ, तो ये फिल्म स्टार्स, ये रॉक स्टार्स, ये सब सुसाइड कर कर के ख़त्म नहीं हो रहे होते। अगर उनको उन चीज़ों से उतना ही नरिशमेंट मिल रहा होता उनका सोल के लिए, उनकी बॉडी माइंड के लिए, तो वो क्यों अपनी जाने देते घूमते? हमको वो दृश्य भी देखना चाहिए कि जब वो उसी मॉडर्न लाइफ स्टाइल में चल रहे हैं लोग और फिर निराशा के शिकार होते हैं, डिप्रेशन के शिकार होते हैं, सुसाइड करते हैं। अरे भाई क्यों सुसाइड करते हो? तुम्हारे पास तो वो सब कुछ है ना जिसके लिए एक युवा भाग रहा है, ग्लैमर है, सेक्स है, तुम्हारे पास मनी है, सब कुछ है, फिर भी निराशा है। तो युवा को क्या पलट कर ये नहीं देखना चाहिए कि कहीं तो कोई चीज़ ऐसी गड़बड़ है, कहीं तो कोई कमी है जो शायद हम नहीं देख पा रहे हैं? वो देखने का एक इंसाइट और वो करेज लाना पड़ेगा।